4 करोड़ की बिल्डिंग का काम जो आज से 8 साल पहले का स्टार्ट हुआ है, इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दो ही फ्लोर है। तो आज से अबाउट 4 मंथ पहले मैंने यहाँ देखा कि बारिश में जो है टॉप फ्लोर से पानी की लीकेज हुई, तो मैंने मेट्रो डेटू का टेकअप किया APWD और हायर अथॉरिटी से। तो उसमें कंट्रेक्टर ने बोला कि हम इसकी रूफ ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये छोटा मोटा है, कुछ पानी नहीं आएगा। और जिन्होंने टायर्स वगैरह लगाई हैं, तो मैं मॉनिटरिंग कर रहा था 5-6 दिन से बारिश से, काफ़ी जगह से पानी की लीकेज और सीकेज है जो टॉप फ्लोर से आ रहा है। तो ये एमरजेंसी को लेकर कैजुअल्टी ब्लॉक जो है मेंढर का जो है, ये पूरे किसी मेंढर कोर्ट और पालाकोट के लिए पब्लिक के लिए है। तो हमने एक लेटर भी लिखा है यही साहब को, और उसकी कापी बदली डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पहुँच और SDH PWD पहुँच को भी की है, और SDM मेंढर साहब को भी। ये लीकेज है, इसमें क्या टेक्निकल खर्चा है, जैसे लीकेज है तो क्यों लीकेज का कारण क्या है। तो ये मैं पॉसिबल है, लेकिन तो ये टेक्निकल लोग हैं PWD वाले, ये खुद ही देखेंगे क्या है इसमें सब्सटेंटिव मटेरियल लगा है, लीकेज क्यों है। बिल्डिंग हमें अभी तक हैंड ओवर तो हुई नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसका, और PWD डिपार्टमेंट करवा रहा है, और जब तक इसकी लीकेज वगैरह बंद नहीं होगी तो वी विल नॉट टेक आउट।